तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप डेफिनेशन लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। राइट द वर्क डन राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द वर्क डन बाय अ सोर्स टू मेंटेन अ करेंट। द वर्क डन बाय अ सोर्स टू मेंटेन अ करेंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट is called electrical energy। क्या कहना चाह रहा है उसको समझते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? तो कह रहे हैं कि जब कभी भी किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो वो करंट फ्लो जो आप करवा रहे हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी नीड टू बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच नीड टू बी कन्वर्टेड? तो आप केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो केमिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कब कन्वर्ट होगा? जब सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी आप वहां लगाइएगा। सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी कौन है? जो बैटरी या सेल आप उसके अंदर क्या करते हैं, लगाते हैं। जैसे ही आपने एक सेल लगा दिया, ये सेल का काम क्या होता है? इट क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि ऑलरेडी आप इसके बारे में कहां पढ़ चुके, कहां पे पढ़े हैं इसके बारे में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़े हैं ना। इसका काम क्या होता है? ये एक सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब जैसे ही आप यहां लोड लगा दीजिएगा, ये पोटेंशियल वी है, तो यहां क्या फ्लो करने लग जाएगा? करंट आई फ्लो करने लग जाएगा। कंटिन्यूअसली ये करंट आई फ्लो करता रहे सर्किट में, इसके लिए क्या जरूरी है? कि आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंटली लगा रहना चाहिए। ये तब तक करंट आई इस पर मेंटेन होता रहेगा जब तक यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। जिस क्षण पर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जीरो हुआ, करंट फ्लो करना बंद हो गया। यही लिखा है, द वर्क डन बाय द सोर्स। सोर्स हमेशा काम कर रहा है, कब तक? जब तक इसके अंदर केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टू मेंटेन द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो मेंटेनेंस ऑफ करंट कौन करेगा? सोर्स करेगा। और सोर्स के अंदर कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। जब तक केमिकल एनर्जी चल रही है, तब तक सेल में करंट फ्लो कर रहा है। केमिकल एनर्जी बंद, केमिकल रिएक्शन बंद, करंट में एनर्जी फ्लो करना बंद कर गया। डन। तो ये डायग्राम उसके नीचे बनाइए और फिर आगे जो छोटा सा एक डेरिवेशन है उसको करते हैं। जल्दी से इस डायग्राम को बना ली, जहां पे रेजिस्टेंस आर है, करंट आई है और आपने जो पोटेंशियल अप्लाई किया है वो क्या है? वी है। डन। बढ़े आगे। अब ये जो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट होता है वो चार्ज बाय टाइम होता है। तो क्या मैं यहां से Q इज इक्वल टू आई टी लिख सकता हूं? ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर वन। वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, जो कि वी क्यू के बराबर है, जो कि किसके बराबर है? वी क्यू के बराबर। तो ये जो W है, जो वर्क डन किया जा रहा है इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल करंट इन द सर्किट, उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह रहे हैं। तो वो वर्क डन वी, क्यू के जगह पे कहना है राइट आई टी। और फॉर्मूला बनता है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, W इज इक्वल टू वी आई टी। फॉर्मूला क्या बनता है? W इज इक्वल टू वी आई टी, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। याद करने का बेस्ट तरीका, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आप इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। W इज इक्वल टू वी आई टी के बराबर होता है। डन। आगे बढ़े। अब आप ये भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी किसके बराबर होता है? आईआर के बराबर। तो यहां पे वी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? आईआर लिख सकता हूं। तो यहां आप वी की वैल्यू को क्या कर दीजिए? रिप्लेस कर दीजिए। जब आप वी की वैल्यू को यहां रिप्लेस करिएगा तो ये हो जाएगा आईआर
इंटू आई टी, और जब इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो एक और फॉर्मूला जो निकल के आता है W का, वो क्या आता है आई स्क्वायर आर टी के बराबर। तो वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला है W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और सेम इस V इज इक्वल टू आई आर को, सेम इस V इज इक्वल टू आई आर में इस बार आपने V के जगह पे आई आर लिखा था, अब I के जगह पे V बाई आर लिख दी, आई के जगह पे V बाई आर लिख दीजिए, वो भी पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग वो भी कर लेते हैं। सेकेंड टाइम में आप क्या कीजिएगा, W इज इक्वल टू वी आई टी में इस बार आप भी को ऐसे ही छोड़ दीजिए, आई के जगह पे आप भी बाई आर लिख दीजिए इन टू टी। तो W इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला बन जाता है भी स्क्वायर बाई आर इन टू टी, एंड दिस इज द थर्ड फॉर्मूला विच वी यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, ये तीसरा फॉर्मूला है। बेसिकली ये तीन फॉर्मूले हैं जो हम लोगों को क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ, टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ वर्क डन। अब मेरे मन में डाउट आएगा सर तीन तीन फॉर्मूला कब कौन सा यूज करें, यहां पे आर कहां लिखा हुआ है ऊपर, तो जब भी कोई सीरीज का सवाल आएगा ना ज्यादातर केस है कि यही सवाल लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। बोलिएगा क्यों, तो आप टेंथ में पढ़े थे इन सीरीज करेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो ये कॉन्स्टेंट हो गया, और आर जो है वो ऊपर आर इक्वलेंट निकाले, तो याद भी रखने का तरीका है भाई आर इक्वलेंट ऊपर लिखा रहता है सीरीज में और करंट कांस्टेंट होता है तो ये सीरीज में लग जाता है। यहां पे देखिए वन अपन आर इक्वलेंट, ये आर इक्वलेंट वन नीचे लिखा हुआ है और भी कांस्टेंट होता है किसमें पैरेलल में, तो यहां पर ये पैरेलल में लग जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला जब रेजिस्टेंस का हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम रेजिस्टेंस जानते ही नहीं है, तब जो फॉर्मूला लगता है वो क्या है, ये लगता है। डन राइट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे ही एनर्जी शब्द वहां लग गया तो जूल तो होना ही है, अब इलेक्ट्रिकल हो चाहे ना हो एनर्जी है तो जूल होगा ही, तो ये इसका एनर्जी जूल है। अब ये देखिए यहां पे एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आप क्लास टेंथ में पढ़े थे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ध्यान है, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे जी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़े थे, सॉरी साला ऐसा क्वेश्चन मार्क टाइप क्यों कर रहे हैं, अरे टेंथ क्लास पास किए कितना दिन हो गया, बहुत दिन हो गया क्या, दो साल हो गया इसीलिए भूल गए, टेंथ क्लास ऑनलाइन था, अरे तुमने ऑनलाइन दिया था यार, ये लोग ऑनलाइन थोड़ी देते, तो प्योर ऑफलाइन स्टूडेंट है, आप लोग तो याद होगा क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कुछ तो था, देखिए उसको याद आ रहा है, हाँ कुछ तो था, आई कहता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, और इन सबको कंबाइन किया तो हीट इज इक्वल टू क्या हुआ आई स्क्वायर आर टी। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से मिलता है हमें। डन, तो इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लें, ये तीन स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं लिखवा रहे, पर ये पहला है कि हीट इन दी वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी सर्किट, एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड फॉर विच दी करंट इज फ्लोइंग इन दी सर्किट, और इन तीनों को कंबाइन किया तो हीट जो है वो आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। देन दिस इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल पावर, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल पावर। तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ में आ गया, अब हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर की ओर बढ़ रहे हैं, और वाई इलेक्ट्रिकल पावर, बिकॉज जहां एनर्जी वहां पावर, बिकॉज एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज पावर। व्हाट इज पावर, तो पावर आपने बचपन में भी पढ़ा था या 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है, वर्क डन बाय टाइम, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज पावर। तो आप लिखें पावर का डेफिनेशन, राइट, इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क।
द रेट एट विच द वर्क इज डन इज कॉल्ड एज पावर. ये तो वन ऑफ द डेफिनेशन है, राइट. सेकेंड डेफिनेशन, इलेक्ट्रिकल पावर पी इज डिफाइंड एज, सेकेंड डेफिनेशन उसके नीचे ये दोनों फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उसके नीचे आप सेकेंड डेफिनेशन लिखिए. द इलेक्ट्रिकल पावर पी इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर व्हेन करंट आई इज पासिंग थ्रू इट, व्हेन करंट आई इज पासिंग थ्रू इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर, इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर नहीं लिख पाए. इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर व्हेन आई करंट इज पास्ड थ्रू इट. तो पावर का जो सेकेंड डेफिनेशन है दैट इज पावर इज इक्वल टू हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय टाइम. और यही हमारे काम भी आने वाला है. पावर इज इक्वल टू हीट एनर्जी, आपने थोड़ी देर पहले देखा डब्ल्यू आई टी के बराबर. जब आप इसको टाइम से डिवाइड करेंगे टाइम और टाइम कट जाएगा और पावर का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू वी आई. पावर इज इक्वल टू क्या आ गया, वी आई आएगा. तो ये पहला फॉर्मूला. और जब आप दूसरे फॉर्मूले की ओर जाएंगे, जब आप दूसरे फॉर्मूले की ओर जाएंगे तो पावर इज इक्वल टू सेकेंड है, आपने सेकेंड फॉर्मूला पढ़ा था आई स्क्वायर आर टी, जो कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आया था आई स्क्वायर आर टी. इसको भी जब आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो टी से टी कट जाएगा और पावर इज इक्वल टू आएगा आई स्क्वायर आर. तो ये भी पावर का एक फॉर्मूला है. और तीसरा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी. इसको भी जब आप टाइम से डिवाइड करिएगा तो टाइम और टाइम कटेगा और पावर जो है वो क्या निकल के आता है, वी स्क्वायर बाई आर निकल के आता है. और ये इसका तीसरा फॉर्मूला है, ये इसका तीसरा फॉर्मूला है. दिस इज द थर्ड फॉर्मूला ऑफ पावर. तो कुल मिला के इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर वन, तीन फॉर्मूला हीट का और तीन फॉर्मूला पावर का, राइट. एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज व्हाट, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, व्हाट लगा डाला, सुना होगा आपने, एक दूसरे का वॉट लगाते रहते हैं हम लोग, नहीं तो ये वॉट है. दूसरा एक और यूनिट इसका होता है जिसको कहते हैं हॉर्स पावर, सुने हैं कभी हॉर्स पावर, तो हमारे इंडिया में भी यूज होता है पर ये इंडियन यूनिट है नहीं, ये आया है विदेशों से. तो हॉर्स पावर इज द सेकेंड यूनिट एंड वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू वॉट, 746 वॉट. तो लिख लीजिए वन एच पी इज इक्वल टू 746 वॉट के बराबर होता है. और कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या है, किलोवाट आवर. तो कमर्शियल यूनिट क्या है, कमर्शियल यूनिट इज किलोवाट आवर. तो ये सब जो है अलग अलग यूनिट हैं, एक है वॉट, ये 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट और ये किलो वॉट आवर. ये अलग अलग यूनिट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं टू सॉल्व दी न्यूमेरिकल. डन हो गया. चलिए अब हम लोग पहले रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ सवाल कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हम करवाना चाहते थे पर नहीं करवा पाए थे, एंड देन फिर आ जाए इलेक्ट्रिकल पावर जो पढ़े हैं उसके ऊपर हम लोग कुछ सवाल करेंगे. क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट हो जाइए, 5-6 सवाल 7-8 सवाल करेंगे कम से कम, राइट. फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर
रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन विच 1 mA करेंट, इन विच 1 mA करेंट पासेस, 1 mA करेंट पासेस व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस पासेस, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt इज अप्लाइड टू इट, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt इज अप्लाइड टू इट। एकदम बेसिक सा सवाल, बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है आपको। R पूछा है, R का फॉर्मूला होता है V by I, वोल्टेज मेरे ख्याल से आपको कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, और करंट आपको दिया हुआ है 10⁻³। तो R की वैल्यू 10⁻³ ओम ऐसा निकल कर आया होगा, आया है क्या? यानी आप कह सकते हैं R इज इक्वल टू 1 kΩ, 1 kΩ, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, V इज इक्वल टू IR आपने फॉर्मूला लगाया और आपको आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ वायर, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ वायर, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ वायर 1 meter long, 1 meter long एंड 0.4 mm डायमीटर, 0.4 mm डायमीटर, डायमीटर कितना है 0.4 mm का है, एंड हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm, हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ, हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm, हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm, सॉल्व कीजिए। यह भी बहुत सिंपल सा सवाल है, कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी रो, आपको क्या निकालना है, रो निकालना है। अब जैसे ही रो निकालने की बात आई है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल, आर आपको शायद डायरेक्टली दिया हुआ है कितना 2 ohm, लेंथ आपको दिया हुआ है कितना 1 meter, आपको एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला जो यूज करना पड़ेगा वो होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, और दूसरा डायमीटर 0.4 mm दिया हुआ है, तो इस mm को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। जैसे ही आप डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके और तब जब आप एरिया निकालेंगे तो एरिया की वैल्यू आती है 12.57 × 10⁻¹, एरिया सॉल्व करके आएगा 12.57 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, और जैसे ही आपका एरिया निकल गया, आर आपको पता है, एल आपको पता है, मेरे ख्याल से रो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, 2 × 1 whole divided by 12.57 × 10⁻⁸ 1, और जब आप यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा, मेरे ख्याल से जो आंसर है दैट इज 25.14 × 10⁻⁸ × 10⁻⁸, और यूनिट क्या होगा, ओम मीटर स्क्वायर, ओम मीटर क्यों मीटर स्क्वायर, ओम मीटर, और ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री अगला सवाल लिखिए, थोड़ा सा अच्छा सवाल दे रहा हूं, सिंपल सिंपल वाला बहुत सारा बना लिए, चलिए ये वाला बनाइए।
A copper wire of mass 4.5 kg. A copper wire of mass 4.5 kg has a resistance of 14 ohm. Has a resistance of 14 ohm. Calculate the length and diameter of the wire. Calculate the length and diameter of the wire if the density of copper is, if the density of copper is 8930 kg per meter cube and resistivity is 1.8 into 10 raised power minus 8 ohm meter. ये आपको सवाल दिया गया, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है. आपको मास दिया है, आपको डेंसिटी दिया गया है, तो मेरे ख्याल से आप वॉल्यूम के तरफ दिमाग लगा सकते हैं. वॉल्यूम जो होता है वो किसके बराबर होता है, एरिया इंटू लेंथ के बराबर. एरिया इंटू लेंथ, वहां से थोड़ा बुद्धि लगाइए. रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है. दो इक्वेशन एल और डी, क्योंकि वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल हैं, एल भी वेरिएबल है और डी भी वेरिएबल है. तो दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए, बस बुद्धि लगाना है कि ये दो इक्वेशन कहां से पैदा करेंगे. सोचिए, विचारिए और विचार के बुद्धि लगा के फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए. क्या आंसर आ रहा है, एल और डी का वैल्यू निकालना है. थोड़ा सा बुद्धि लगाई, बस दो इक्वेशन सॉल्व करिए, आंसर आएगा. और दो इक्वेशन का एक ही तरीका है, एक तो मास दिया है, डेंसिटी दिया है, तो वॉल्यूम वहां से निकलेगा. वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ, एक तो इक्वेशन वहां से आ जाएगी. और दूसरा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी. दो इक्वेशन दो जगह से निकलेगी और आंसर आ जाएगा. थोड़ा बुद्धि लगाइएगा तो जरूर आंसर आएगा. और अगर कुछ आ रहा है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं बनाता हूं. देखें, आपको मास दिया गया है, मास कितना दिया है 4.5 केजी, और डेंसिटी अगर मैं डी से डिनोट कर रहा हूं वो दिया हुआ है 8930 केजी पर मीटर क्यूब. आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, यहां से वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, मास बाय डेंसिटी निकल कर आएगा. ये सीबीएसई में पूछा हुआ सवाल है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये सीबीएसई में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए पढ़ते हम लोग कुछ हैं और सवाल कुछ आता है, इसलिए थोड़ा सा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो निकल कर आती है 5.039 इंटू 10 रेस पर माइनस 4, 5.039 इंटू 10 रेस पर माइनस 4 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम निकल कर आ गया. अब जो वॉल्यूम है वो होता है किसके बराबर, एरिया इंटू लेंथ के बराबर. एरिया हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4,
इंटू लेंथ, यानी पाई डी स्क्वायर बाई फोर एल किसके बराबर आ गया, 5.039 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब के बराबर आ गया। और इसको आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, डन। अब आइए दूसरे पहलू पर, आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रो एल बाई ए दिया हुआ है। यहां से एल बाई ए, यही ना हमारा वेरिएबल है, एल बाई ए कैन बी रिटन एज आर बाई रो। आर मेरे ख्याल से 14 ओम दिया है, क्या दिया है सवाल में आर, आर इज 14 ओम, यहां देखिए 14 ओम दिया हुआ, और रेजिस्टिविटी कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁸, 14 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 10⁻⁸। इन दोनों को भी सॉल्व करिएगा, मेरे ख्याल से कुछ एक वैल्यू निकल कर आएगी, दैट इज 7.78 इंटू 10⁸। इसको आप मानिए इक्वेशन नंबर टू। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे किसी एक को निकालना है, आइदर एल और डी, तो चलो मान के मैं डी निकालना चाहता हूं, तो एल को कटिंग करना चाहिए, एल को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। एल कैसे एलिमिनेट होगा भाई, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो एल एलिमिनेट हो जाएगा, तो बस इन दोनों को डिवाइड करिए, ये एल एलिमिनेट होगा, और ये एरिया क्या लिख सकते हैं, ये भी होगा पाई डी स्क्वायर बाई फोर, तो आ जाएगा 4L बाई पाई डी स्क्वायर, यही ना। यहां से D का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, क्योंकि D स्क्वायर आएगा, D स्क्वायर आएगा, उसको सॉल्व करिए, देखिए तो करके क्या आ रहा है, क्या L स्क्वायर आएगा, D स्क्वायर आएगा, देखिए जरा। अगले पेज पे जाऊं मैं, अच्छा इसको इसको थोड़ा सॉल्व कर दें, L बाई, कैन आई राइट दिस एज पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बाई फोर, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 4L बाई पाई डी स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 7.78 इंटू 10⁸ के बराबर, पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर। एल स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, देखिए इक्वेशन वन और टू को आप क्या कर दीजिए, इक्वेशन वन और टू को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, नाउ राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन एंड टू, लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन, एंड इक्वेशन टू। अब इक्वेशन वन में क्या आया था बोलिए तो, एक्सप्रेशन पाई डी स्क्वायर बाई बाई फोर, अच्छा पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बाई फोर एल, एल ऊपर इंटू, दूसरा एक्सप्रेशन क्या है 4L बाई पाई डी स्क्वायर, 4L बाई पाई डी स्क्वायर, देखिए थोड़ा ध्यान से, पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, क्या बच गया, L स्क्वायर बच गया, तो दोनों का वैल्यू मल्टीप्लाई किए हैं, दोनों का वैल्यूज बोलिए तो क्या क्या है, एक आया था 5.039 इंटू 10⁻⁴, और दूसरे का आया था 7.78 इंटू 10⁸। एल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है बताइए जरा, 39.2 इंटू 10⁻⁴, 39.2 इंटू 10⁻⁴, और एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 39.2 इंटू 10⁻⁴, एल इज इक्वल टू 36, 6 से कुछ बड़ा आएगा, यानी 7, 6. समथिंग आना चाहिए, कितना आ रहा है 6.26 इंटू 10⁻² मीटर, एंड दिस इज योर आंसर टू दी लेंथ ऑफ दी, आंसर टू दी लेंथ ऑफ दी कंडक्टर, पहला आंसर आ गया। एक बार L आ गया, किसी भी एक एक्सप्रेशन में आप उसको क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, आपका सेकंड भाई भी निकल जाएगा, क्या है सेकंड भाई, तो आपने अभी कहा था पाई डी स्क्वायर एल बाई फोर, है ना, ये किसके बराबर है 5.039 इंटू 10⁻⁴ के बराबर, ये एक्सप्रेशन है ना। अब पाई इंटू डी स्क्वायर
इंटू एल के जगह पे 6.26 इंटू 10 रेस पावर 2 बाई 4 पाई को भी 20 पाई को भी क्या लिख दीजिए 3.14 इज इक्वल टू कितना 5.039 इंटू 10 रेस पावर माइनस 4 यहां से डी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग निकल जाएगा और वो डी स्क्वायर किसके बराबर है 1.025 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 ये आपका डी स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर में आया है और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1.025 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 और यहां से जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो जो आपका फाइनल आंसर आता है दैट इज 1.013 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 1.013 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 मीटर या d इज इक्वल टू 1.013 मिलीमीटर और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अच्छा सवाल था और साथ साथ कैलकुलेटिव सवाल था जहां पे आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन देखने को मिला। तो ये इस तरह का सवाल भी कई बार दे सकता है। दिया क्या है सीबीएसई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में बहुत ज्यादा पहले नहीं जाने का है हाल फिलहाल ही 2019 में पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 ये भी एक अच्छा सवाल है राइट। अ 10 ओम थिक वायर इज स्ट्रेच्ड a 10 ohm thick wire is stretched so that its length becomes 3 times so that its length becomes 3 times आपने ऐसा स्ट्रेच किया कि उसकी लंबाई 3 गुनी हो गई। Assuming that there is no change in density डेंसिटी में कोई चेंज नहीं है डेंसिटी आपका क्या है कॉन्स्टेंट है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर बहुत ही सरल बेसिक सवाल है इसके अंदर ज्यादा बुद्धि लगाने का नहीं है। लेंथ तिगुना हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा तिगुना हो जाएगा तो ये 10 है तो वो कितना हो जाएगा 30। तुम ना बताओगे यार मेरे को क्या पता वही ए बाई थ्री हो जाएगा ये हम नहीं जानते हैं तुम क्या बोलते हो आप अपना समझो आई हैव नो आइडिया 9 टाइम्स हो जाएगा फिर मजाक कर दिया तुम 9 टाइम्स कैसे हो जाएगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल तो रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा रेजिस्टेंस 10 था 3 गुना हुआ 30 हो गया एरिया कम हो जाएगा लिखा है क्या एरिया कम होगा लिखा है एरिया कम होगा डायमीटर कम होगा तो आप बताइए कि होगा कि नहीं होगा पर लॉजिक कहां लिखा तो नहीं है आ जाए या नहीं कोई नहीं लिखा जाए हो जाएगा कुछ तो लिखा होना चाहिए ना उसके लिए लिखा है आप देख नहीं पा रहे डेंसिटी कांस्टेंट लिख दिया डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास बाई वॉल्यूम अगर ये कांस्टेंट है तात्पर्य मास बाई वॉल्यूम कांस्टेंट है मास किसी चीज का सदैव कांस्टेंट होता है तो इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है कि आपका वॉल्यूम भी क्या है कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है एरिया इंटू लेंथ भी क्या है कांस्टेंट है और एरिया इंटू लेंथ कांस्टेंट मतलब
A1L1 must be equal to A2L2. Initial area into the initial length must be equal to final area into final length. अच्छा, initial area को मान लीजिए, मैं A मानता हूं, पहले ये डब्बा बना लेते हैं. ये तो हम लोग कहां से पता चला? उसने ही बोला था कि density क्या है, constant है. यहीं से ये बात पता चली. ऐसा नहीं कि होता है, हो रहा है, बच्चा है, पैदा हो रहा है. हो कैसे जाएगा अपने से? करना पड़ता है उसके लिए. हो कैसे जाएगा? A1 into L1 must be equal to A2 into L2. A को मान लीजिए मैं A मानता हूं, लेंथ उस टाइम पे L है, A2 मुझे नहीं पता, पर L क्या हो गया? 3L हो गया. तो A2 क्या निकलेगा? L से L कैंसल, A2 निकलेगा A/3. ऐसे मुझे बताना होगा कि कैसे उसका एरिया क्या निकला, A/3 निकला. ऐसे नहीं कि होता है इसीलिए A/3 हो गया. ऐसे लिख के बताना होगा उसको. एक बार पीछे कीजिए, ये लॉजिक ध्यान रखना है. कैसे ये बात लिखी हुई थी, तो ऐसे ही नहीं ना हवा में कुछ लिखा हुआ है. हवा में नहीं लिखा है, ये बात जो लिखा है इसको हम लोग को यथार्थ में लेके जाना है कि क्या लिखा हुआ है. ये लिखा है डेंसिटी कांस्टेंट है. डेंसिटी कांस्टेंट मतलब मास बाय वॉल्यूम कांस्टेंट. मास सदैव कांस्टेंट होता है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है. और जब कभी भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यानी एरिया इनटू लेंथ क्या हो गया? कांस्टेंट. और एरिया इनटू लेंथ कांस्टेंट है तो आपका एरिया अगर ट्रिपल हुआ है तो एरिया ऑब्वियसली, लेंथ अगर ट्रिपल हुआ है तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. बढ़े आगे. अब ओल्ड रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू रो बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग द मटेरियल, बट एल डैश बाई ए डैश. अब इसको A2 माने हैं तो यहां पे भी A2 को A' ही कर दे रहे हैं क्योंकि मुझे यहां A' चाहिए. अब आपको R' निकालना है तो आप R' / R कर दीजिए. R' / R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होल डिवाइडेड बाई, रो तो रो ही रह जाएगा, L' की जगह पे क्या लिख देंगे? 3L. और ये A सही लिख रहे हैं? नहीं, गलत लिख दिए. ये ऊपर वाला जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3L और ये हो जाएगा A/3 होल डिवाइडेड बाई रो एल बाई ए. क्लियर? अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो क्या क्या कटेगा? रो से रो कट गया, ल से ल कट गया, अ से अ कट गया, और ये आ गया 9 times. और यहां से जब आप इसको सॉल्व किए तो न्यू रेजिस्टेंस R' becomes 9 times R, that is R' is equal to 9 times the value of 10, that is R' is equal to how many ohm? 90 ohm. And that is the answer to this particular question. ऐसे आना है ना कि अपने मन से हमको लग रहा है इसीलिए हो जाएगा. आदमी को तो बहुत कुछ लगता रहता है कि हमको उससे प्यार है, तो क्या है? पागल. हम भी जब पढ़ रहे थे तो लगता था कि ऐश्वर्या राय से हमको प्यार है, तो थोड़ी क्या ऐश्वर्या राय से प्यार हो गया? पागल. क्या दिखाया जाएगा? भाभी क्या क्या देखेगी यार. चलिए अगला सवाल लिखिए. अ गिवन वायर इज स्ट्रेच्ड टू रिड्यूस इट्स डायमीटर. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5. अगला सवाल, अ गिवन वायर इज स्ट्रेच्ड. देखें ये सवाल कितने लोग बना पाते हैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद. अ गिवन वायर इज स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड एस एच होगा, टी आर ई सी एच डी, ठीक तो लिखे देवे. अ गिवन वायर इज स्ट्रेच्ड टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस. What will be its new resistance?
नए रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताना है कि भाई हमारा नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका। अगर डायमीटर के साथ आपने क्या छेड़छाड़ की है, आधा कर दिया है डायमीटर को, तो क्या लेंथ के साथ भी कोई परिवर्तन आएगा? लेंथ चेंज करेगा कि नहीं करेगा? अब इस सवाल में तो उसने नहीं बोला कि भाई डेंसिटी एंसिटी कांस्टेंट है, अब क्या किया जाए बताइए, होगा कि नहीं होगा दोस्त? चेंज करेगा लेंथ, चाहे दिया रहे या फिर ना दिया रहे, आपको यह मानना है कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ऐसे भी कॉमन सेंस, एक तो आटा का लोहिया आप लिए, एक तो आटा का इतना बड़ा आपने लंप ले लिया, उस लंप को अगर आप मान लीजिए ऐसा बहुत चौड़ा कर दिया, तो लंबाई अगर चौड़ा हुआ तो ऑब्वियसली डायमीटर उसका क्या हो जाएगा, घटेगा। अब बहुत ज्यादा दबा दीजिएगा तो लेंथ कम हो जाएगा लेकिन डायमीटर ज्यादा नहीं। कॉमन सेंस है, मतलब इसमें लिखा रहे ना लिखा रहे इससे कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है। पर आंसर आपको किसके टर्म में देना है? डायमीटर के टर्म्स में। तो जो एरिया आप लिखेंगे, दैट एरिया विल बी इक्वल टू पाई डी वन स्क्वायर बाई फोर ए वन, और जो ए टू लिखिएगा वो क्या लिखिएगा, पाई डी टू स्क्वायर बाई फोर, और पाई डी टू स्क्वायर बाई फोर, इनिशियल लेंथ एल वन, फाइनल लेंथ एल टू। वॉल्यूम क्या रहने वाला है? वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। इफ वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, दिस इंप्लाइज एरिया वन इंटू लेंथ वन मस्ट बी इक्वल टू एरिया टू इंटू लेंथ टू। ये रिलेशन तो सदैव ही क्या रहने वाला है, ट्रू रहने वाला है। और अगर ऐसा होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, पाई, क्या लिख सकते हैं, पाई डी वन स्क्वायर बाई फोर इंटू एल वन मस्ट बी इक्वल टू पाई डी टू स्क्वायर बाई फोर इंटू एल टू। यहां से पाई गया, चार से चार गया, डी वन बाई डी टू का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एल टू बाई एल वन, ये निकल कर आ रहा है। अब आपने डायमीटर को क्या कर दिया है, आधा टाणा बांका कुछ कर दिया है, तो अगर आधा टेढ़ा मौका कीजिएगा तो D1 और D2 में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा जो कि L1 और L2 के टर्म्स में आएगा। आपके पास रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, ऊपर भी नॉर्मल के टर्म्स में और नीचे चेंज होने के बाद, दोनों को एक दूसरे के टर्म में पुट करिए और बताइए मुझे कि आंसर कितना गुना आ रहा है। व्हाट इज द आंसर, सॉल्व करिए, करो, हमारा मुंह क्या देख रहे हो? अरे ये तो डेली देखते हो, कॉपी का मुंह देखो, वो तो तुम आज जो रखोगे फिर कल उठाओगे, वो भी डेली देख रहे हो, अलग अलग की यही वाला, यही ना गड़बड़ है, जो आज देखे हो इसको डेली देखना है। सॉल्व कीजिए मुन्ना, जल्दी बताइए क्या आंसर आ रहा है। रिलेशनशिप स्टैब्लिश की, जो आधा हो रहा है ना डायमीटर, कर दीजिए आधा आधा करके बताइए क्या रिलेशन आ रहा है। जाबे सेम क्यों होगा, ये क्या है, ऊपर वाला डी है तो नीचे क्या होगा, डी बाई टू का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एल टू बाई एल वन। डी से डी कट गया, टू पर चला गया, यानी टू का स्क्वायर फोर इज इक्वल टू वॉट, एल टू बाई एल वन। एंड यहां से क्या निकल के आ जाएगा, एल टू इज इक्वल टू फोर टाइम्स एल वन। आपको यही रिलेशन चाहिए ना, कि डायमीटर में क्या चेंज होगा तो लेंथ में कितना गुना का चेंजेस आ जाएगा। बस ये एक बार आ गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो ओरिजिनल और फाइनल रेजिस्टेंस का इक्वेशन लगा दीजिए, आपका रेशियो निकालिए, आंसर आएगा क्या करना था। अब दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, R इज इक्वल टू रो L बाई पाई डी स्क्वायर बाई फोर, और जब आप R डैश लिखिएगा तो जाएगा R, L के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, फोर एल डिवाइडेड बाई पाई D के जगह पर D बाई टू का होल स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई चार। बस R डैश बाई R निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा आएगा 4 रो L बाई, उसको सॉल्व करिए पहले, ये चार ऊपर चला गया, 16 रो L बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4 होल डिवाइडेड बाई, ये आ जाइए
फोर, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, रो एल बाई पाई डी स्क्वायर बाई फोर, पाई डी स्क्वायर बाई फोर, जो जो कट पिट रहा है काट दीजिए, पाई डी स्क्वायर बाई फोर, पाई डी स्क्वायर बाई फोर कट गया, रो एल कट गया, क्या बचा, आर डैश बाई आर इज इक्वल टू 16, दिस इंप्लाइज आर डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स आर। चूंकि आपको कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ था तो आपको बस यही निकालना था कि भाई वो कितना गुना हो जाएगा, तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 16 गुना हो जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है, ये आपका क्या है, आंसर है। एक आखिरी और बेहतरीन सवाल है, 2017 में पूछा गया है, बहुत ही मार्वेलस क्वेश्चन, मजा आ जाएगा सॉल्व करने में, आप लोग को तो नहीं आएगा क्योंकि होगा नहीं, हम ही को करना है, इसलिए हम अपने ही लिए खुश हो रहे हैं कि ठीक है एक अच्छा सवाल है इसको हम सॉल्व करेंगे, आप लोग तो एक भी करते नहीं है, लास्ट तक हम ही को करना पड़ रहा है। अ सिलेंड्रिकल मेटालिक वायर, लिखिए, अ सिलेंड्रिकल मेटालिक वायर, अ सिलेंड्रिकल मेटालिक वायर, अ सिलेंड्रिकल मेटालिक वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 5%, इज स्ट्रेच्ड, आर ई टी आर टी आर ई सी एच डी, स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज द लेंथ बाई 5%, टू इंक्रीज द लेंथ बाई 5%, अगर x लेंथ था तो उसको x प्लस 5% ऑफ x हमने कर दिया, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, क्या बात, कैलकुलेट कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस, बहुत बढ़िया सवाल, इन द रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस में कितने का चेंज आएगा, यानी r और r डैश निकालिए और उसके बाद उसका परसेंटेज निकालिए, तो परसेंटेज बेसिकली आपको कैलकुलेट क्या करना है उसको ध्यान से देखिए, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन आर डिवाइडेड बाय आर इनटू 100, ये होगा आर डैश माइनस आर बाय आर इनटू 100, आर और आर डैश निकाल लीजिए, उसका वैल्यू को पुट करिए और इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, कीजिए, अरे मेरे तरफ क्या देखते हो, चेहरा क्या देखते हो, क्वेश्चन सॉल्व करो, दिल में नहीं उतरना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। आदि बताओ लहसुन कैसे होगा ये, अरे आदित्य से ही ना आदि हुआ यार, जल्दी बताओ, बेहुदा, देखिए ये लड़का निकाल लिया, वेरी गुड, क्या किया, अच्छा यही लेकर सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर बी व्हाट, एक्स, तो जो न्यू लेंथ होगा वो कितना होगा, न्यू लेंथ इज इक्वल टू होगा x प्लस 5/100 ऑफ x, दैट इज कितना होगा 1.05x होगा क्या, देखिए तो 1.05x हुआ लग तो रहा है, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 21/20x, सॉल्व कीजिएगा तो ऐसा ही आएगा, 1.5% यानी हो जाएगा 100 5/100, और 100 5/100 यानी 1.05, या 100 5/100 इक्वल टू 21/20, डन। अब जो कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी क्या किए हुए हैं, सीखे हुए हैं, क्या सीखे हुए हैं, वॉल्यूम सदैव क्या रहेगा, वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, तो चूंकि वॉल्यूम हमारा कैसा रहने वाला है, कॉन्स्टेंट रहने वाला है, A1 into L1 must be equal to A2 into L2, एरिया इनिशियली मान लीजिए A था, उस टाइम पे लेंथ आपने x माना है, नया वाला एरिया नहीं पता, लेंथ हो गया 21/20x, x से x कट गया, A2 इज इक्वल टू क्या हो गया 20/21,
ए। यहां तक कोई डाउट? ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर टू, और उस पेज पर ऑलरेडी आपने इक्वेशन नंबर वन निकाला हुआ है, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, हो गया। अब आप आर और आर डैश लिख लीजिए, आर इक्वल टू क्या होगा, रो एल बाई ए, इसमें तो कहीं कोई लफड़ा ही नहीं है, मेन तो बुद्धि लगाना है आर डैश में। आर डैश इज इक्वल टू होगा रो, एल डैश की जगह पर क्या लिखेंगे, 21 बाई 20x, और ए के जगह पे क्या लिखेंगे, 20 बाई 21 ए। इसको जरा सा आप सॉल्व कीजिएगा तो आर डैश मेरे ख्याल से आएगा 441 आएगा, क्या 21 का स्क्वायर 441 होगा ना जी, बाई 400 इंटू रो एक्स बाई ए। क्या आपका आर डैश आया? अरे आया कि नहीं आया? आया। आपको रेशियो इस बार नहीं निकालना है, आपको डेल्टा आर का परसेंटेज निकालना है। डेल्टा आर होता है आर डैश माइनस आर बाई 100 सॉरी इन बाई आर इंटू 100। आर डैश आपने निकाला है 441 आर माइनस आर बाई आर, अच्छा यहां पे ठो 400 भी गड़बड़ा गया ना, 441 बाई 400 माइनस आर बाई आर इंटू 100, यही है ना। यहां से आर कॉमन लेके आर आर काट देते हैं, यानी 41/400 इंटू 100, यही आएगा क्या, देखिए तो आएगा, 0 0 कट गया, और ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 10.25%। तो डेल्टा आर परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू कितना आ गया, 10.25% हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। इसके पहले वाला रो, ये वाला। तो देखिए, मैं सोच रहा था कि आज ही की क्लास में पावर और रेजिस्टेंस दोनों का सवाल करवा देंगे, लेकिन हो नहीं पाया, समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। तो हम लोग अगले क्लास में स्टार्टिंग ही करेंगे पावर के न्यूमेरिकल से, और फिर आर इक्वलेंट में, या फिर आर इक्वलेंट पढ़ के, लेकिन हौच पौच हो जाएगा, हर क्लास में एक ये भाग जा रहा है। तो पहले न्यूमेरिकल ही कर लेंगे पावर का, उसके बाद रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।